कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को विश्व के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। और तो और अब बांग्लादेश ने भी पाक का साथ छोड़ भारत का हाथ थाम लिया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पाक की बिगड़ती स्थिति पर हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत के जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और इसका 2 भागों में विभाजन कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पाकिस्तान पूरी तरह तिलमिलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने को लेकर भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी भारत सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। भले ही पाकिस्तान कश्मीर मसले को अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की बात कर रहा हो, लेकिन उसे इस मामले में कथित तौर पर चीन को छोड़कर दूसरे देशों का साथ नहीं मिल रहा है। बुधवार को बांग्लादेश के बयान से पाकिस्तान को झटका लग सकता है। बांग्लादेश के विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि वो इस बात पर कायम है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाना भारत का आंतरिक मामला है। बांग्लादेश ने सिद्धांत के तौर पर हमेशा इस बात की वकालत की है कि क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता बनाए रखना तथा विकास सभी देशों की प्राथमिकता होना चाहिए। इससे पहले भारत के पड़ोसी देश नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हिमालयी राष्ट्र क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के पक्ष में है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुंह के खाने के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं किया है। खबर है कि वो अब कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सूचना सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने मंगलवार को कहा था कि कश्मीर के मामले को पाकिस्तान विश्व के एक एक मंच पर उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।